ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈ ਭਜਨ ਤੇ ਘਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਫਿਲ ਵੇਲਾ मुझे ये नहीं पता, मुझे बोतलें चाहिए होती हैं, आ जाती हैं, शराब के वो मुझे नहीं, मुझे शराब नहीं देखनी है, मुझे उसमें खूबसूरत सामने दादी ने किया लॉकडाउन में चमत्कार। दोस्तों हम दिखाते हैं कि दादी ने घर बैठे कबाड़ी सामान को कैसे चमकाया, कैसे बनाया सोना। आइए बात करेंगे हम दादी से। दादी जी आपको सबसे पहले आज तक आमने सामने का नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत किया जाता है। तो दादी सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या और आपका बचपन कहां पर बीता। मेरा नाम बेअंत कौर है, ठीक है। मेरा बचपन, मेरा जन्म श्रीनगर का है। बिल्कुल जी, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जय दादी का सबसे जो बड़ा सबसे प्यार सुंदर परिवार 35 लोगों का परिवार है। 35 लोगों के बीच में इस दादी ने का अपना बहुत बड़ा सिक्का जमा के रखा है। मजाल है किसी की कि 35 लोगों में से दादी के अलावा कोई बात नहीं कर जाए। आइए बताते हैं दादी की और खासियत क्या है। दादी जी लॉकडाउन में जो बहुत सी सुंदर सी चीजें आपने बनाई है, जब मन को छू देने वाली चीजें हैं, इसके बारे में बताइए इनका शौक आपको किसे बचपन से था। बचपन से शौक, लेकिन शौक पूरा नहीं हुआ, पर मैंने अंदर की चिंगारी कभी मिटने नहीं दी। ठीक है। अब फ्री हुई, बच्चे अपने घर में, शादी में फ्री हो गए, मैं भी फ्री हो गई, तो बुढ़ापे को खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, इसी मुझे आपको इतना बिजी रख लिया कि मुझे खाली टाइम ही नहीं मिलता। एक तो लोग खुश हो जाते हैं लेके, लोगों को खुशी होती है दादी ने हमको बना के दिया, उनसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। जब मैं किसी को देती हूँ ना तो मेरे अंदर आत्मा से खुशी होती है, चलो मेरी किसी को अच्छी चीज अच्छी लगे। आज के युग में बहुत बड़ी चीज है, और मैं हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव देखी है। मैंने जिंदगी में आज तक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढा है, और जिंदगी मजे से है। कहते दूसरों की खुशी में रहना, खुश होना एक बड़ी कला है, जो कला सीखने से कभी दुखी नहीं होता। दादी जी बात ये सबसे पहले कि आपने जो स्टडी की है, एजुकेशन ली, वो कहाँ से ली आपने? मेरी स्टडी 10वीं मैंने देहरादून से की, यूपी से। उसके बाद 10वीं के बाद कहाँ पढ़े हैं? अच्छा। उस युग में कहाँ पढ़ाते थे? मेरी शादी को 60 साल हो गए। दादी जी आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी बातों को देखता लगा आपने पता नहीं डबल डबल पीएचडी एमए वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जब देखिए दादी जी, जब एज स्कूल में स्टडी करने जाते थे उसके बीच में भी आपको ऐसा स्कूलों में मौका मिलता है, कुछ ना कुछ करती थी मैं, कुछ भी नई चीज फटे और कमीज भी मिल जाएगी ना उसमें से फ्रॉक बना देती थी। ठीक है, मतलब शुरू से शौक मरने नहीं दिया कभी मेरे शौक को। किस तरीके से अब ये बिल्कुल फ्री हुई तो बहुत कुछ कर दिया। मेरी बेटी का ना सब बड़ा पढ़वा रहा, जितने मदरस के इतना प्यार करते हैं, मेरे को उतना प्यार करते हैं, तो मेरी बेटी जितने आते हैं हमारा गिफ्ट, मैं कहते हैं लेटो मैं कल और बना दूंगा। क्या हुआ, बोतलें खाली है, सिर्फ ब्यूटी ब्यूटी से लेके कपड़े ले आती हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा करती हूँ स्वीट स्वीट पर, अदरवाइज कोशिश ये करती हूँ कि सब कम फ्री में हो जाए और सब खुश भी हो जाए। बिल्कुल जी, खास बात आपको दोस्तों ये जरूर बता देना चाहते हैं कि दादी के पास उसका अगर कोई पोता, दादी नहीं दोस्तों जब बता दें ये नानी भी है, किसी की दादी तो किसी की नानी। सबसे बात आपको बताना चाहता है कि जो भी दादी जी के नानी जी के पास आया खाली नहीं गया, कोई ना कोई सुंदर। मेरे चाहने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आमने सामने, आज तक मुझे देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है सबका आपके रूबरू होते हुए, क्योंकि इंसान अंदर तो बैठा ही है, जब पब्लिक में रूबरू होता है तो उसको मन को शांति और मिलती है। जब मेरे को पहली बनाई है तो मेरे थोड़ा लगता था, लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कितनी ऐसे वीडियो और बना लूँ, टॉपिक कोई भी हो। ब्लेसिंग हम सब के लिए, बिकॉज मेरी मदर लॉ हमारे साथ रहने आए और उन्होंने अपना हिडन टैलेंट जब हमको दिखाया, वी वर सो ब्लेस्ड कि भाई
इस उम्र में 80 साल की उम्र में भी अपनी सोच को इतना प्रोडक्टिव रखते हुए, है ना, शी डेकोरेटेड ऑल दिस। अगर मैं करूं या मेरी वाइफ करे तो इट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन फॉर अ लेडी ऑफ 80 जो कि अभी भी स्ट्रांग है एंड बहुत बहुत सफाई से किया हुआ है सब कुछ, है ना, इट्स नथिंग दिस के भाई बहुत यंग लेडी है, फिर भी हम बैठ के उनके साथ मजाक करते हैं, मजाक में वो काम भी करी जा रही है, दिस इज समथिंग टू लर्न। और लॉकडाउन के बारे में तो उनको, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, कहती मैं अपना काम करी जा रही हूँ, आई एम किलिंग माई टाइम, मुझे बच्चे मिलते हैं, आई एम हैप्पी, हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आई थिंक हेल्थ वाइज प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आ रहा बिकॉज शी इज कीपिंग हर माइंड वेरी बिजी, है ना। जैसे लोग आके कहते हैं यार बड़ी डिप्रेशन हो रही है मैनु, है ना, एंग्जाइटी हो रही है, क्या होगा कैसे हो, बट वन लेडी जो कि सिखा के जा रहे हैं हमें, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, है ना, इन्होंने बैंगलोर चले जाना, वी गोइंग टू मिस हर अ लॉट, लेकिन ये जो हमें सिखा के जा रहे हैं ना कि जो मर्जी हो, लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, ये आपके मन की अवस्था होनी चाहिए कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। एंड थैंक यू सो मच मम्मी, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के हमें जा रहे हो, एंड द सेम हर डॉटर इज लाइक दैट ऑल्सो, पर लेकिन ये खाना पीना बनाने में ज़्यादा माहिर है, बोतलें नहीं बनाती है। थैंकफुल हूँ आज तक आमने सामने का, जिन्होंने ये मेरी मम्मी को इतना बड़ा सम्मान दिया है, उनका इंटरव्यू लिया है, एंड दे आर गोइंग टू शो ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख रहे हैं दादी माँ के साथ एक प्रोग्राम, एक मुलाकात आमने सामने, फिर से लेकर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें इजाजत दो, नमस्कार।